बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज का शरबत, जिसको हमें रमज़ान के लिए स्टोर करना है। आजकल अच्छे से ऑरेंज आ रहे हैं। ये देखिए, हमने 5 ऑरेंज लिया है। इसको हम हाफ हाफ करके इसका हम रस निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमने इसको हाफ हाफ कर लिया है। अब हम इसे, ये जूसर है, ये देखिए प्लास्टिक का होता है ये, आप चाहें तो इसके टुकड़े निकाल के आप मिक्सी जार में भी चला सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम निकाल लेंगे सारा, फिर आपको हम दिखाते हैं। और ये देखिए, 5 ऑरेंज में इतना जूस निकला है। ये एक बड़ा कप भर के जूस है। ये देखिए, जो ये छिलका है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम बॉईल करेंगे। बस हल्का सा पानी गर्म हो जाए, बस हमें बंद कर देना है चूल्हे को। और इसका रीज़न ये है बॉईल करने का, कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जो वाइट पार्ट है ये कड़वा होता है, इसे हमें निकालना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको हम बॉईल कर लेते हैं, हल्का सा भाप आने देते हैं बस। और इधर हमने शुगर ली है 1 kg। हमने शुगर ज़्यादा ली है इसलिए कि शुगर रहेगी ज़्यादा तो ये बहुत दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता शुगर की वजह से। इधर हमने कढ़ाई रखी है, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। और एक सिरप इसका हम रेडी कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, इतना डालना है कि शक्कर भीग जाए। ये देखिए, इतना पानी हमने डाला है कि शुगर भीगी हुई है। और इधर हमने जो छिलका रखा था वो भी रेडी हो गया है। बस हल्का सा भाप आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बंद कर देंगे इसको, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, इसको हम निकालेंगे और इसका वाइट पार्ट जो है उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये चीज़ हमें निकाल देना है, एकदम इसको साफ कर देना। एक हाथ में हमारे कैमरा है इसीलिए हम नहीं बता पा रहे हैं आपको ठीक से, आप खुद ही देख के समझ पाएंगे कि ये हमें खुरच के जो वाइट वाइट है इसको हमें निकाल लेना है। ये देखिए, हमने निकाल लिया है। इसको हम डाल देंगे मिक्सी जार में, इसे हमें पीस लेना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इतना पानी डालिए कि ये पीस जाए, एकदम महीन पीसना है इसको। और ये देखिए, शीरा हमारा, शुगर सिरप रेडी हो गया है। इसमें अच्छे से पक के बॉयल आ चुका है, ये बबल बबल्स आ रहे हैं, ये देखिए। और इधर हमने जो संतरा का छिलका पीसा था, ये देखिए, इसे हम इसी शीरे में डाल देते हैं। और ये जूस है, पहले हम जूस डालेंगे। और इसको पकाएंगे अच्छे से।
देखिए गंदा गंदा सा है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम निकाल लेंगे, इसमें एक बॉयल आने देते हैं फिर से। और ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर है ऑरेंज, इसको डाल देंगे, अच्छा सा कलर आएगा। और इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे कि ये थिक हो जाए थोड़ा सा। और ये देखिए खीरा हमारा गाढ़ा हो गया है, इसको निकाल लेंगे। और ये पल्प है इसको हम डाल देंगे, इसको भी साथ में पकाएंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है ऑरेंज की। अब बस इसको हम ठीक करेंगे। कितना करना है फिर आपको हम दिखाते हैं। और ये देखिए ये पकते पकते देखिए यहाँ तक था, ये आधा हो गया है, आधा से भी कम हो गया है। और देखिए अच्छे से ठीक हो गया है। ये देखिए इधर हमने 4 नींबू लिया है, इसको हम डाल देंगे, खटास भी आएगी शरबत में और ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा। सब डाल देते हैं नींबू हम इसमें। और ये देखिए शरबत हमारा स्टोर करने के लिए रेडी हो गया है। इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अभी आपको दिखाने के लिए इसमें हम निकाल रहे हैं, फिर एक शीशे का जार धो के साफ करके सुखा के एक बोतल में भर के हम फ्रीज में रख देंगे। और ये देखिए हमारा ऑरेंज शरबत रेडी है। इधर हम गिलास में थ्री टी स्पून हमने शरबत डाला है। अब इसमें हम ठंडा पानी चिल्ड डाल देंगे। अभी हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है इसलिए हमने आइस क्यूब नहीं डाला है। ये देखिए आप भी बनाइए और गर्मियों में इसका मज़ा लीजिए। अल्लाह हाफिज़।